फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे आप जैसे जानते हैं कि इज़ ए वेरी हॉट स्टडी डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट स्पेशली फ्रॉम इंडिया रिसेंटली या पीछे ऑस्ट्रेलिया के बयान सुनने के बाद बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूज़ हुए आ, बहुत सारे लोगों के डिले हो रहे हैं वीज़ा तो मैं आपको तीन फंडामेंटल रूल बताता हूँ जिनके बेसिस पे आप मैक्मम सक्सेस रिट अचीव कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आई वुड से तीन या चार चीज़ें वन योर एकेडमिक्स आपका जो पढ़ाई का बैकग्राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक्स में आपके सब्जेक्ट कम से कम चार एकेडमिक सब्जेक्ट आपकी स्टडी में होने चाहिए कोई भी गैप नहीं होना चाहिए हाँ 2022 पास अगर प्लस टू बच्चा है अभी भी एक्सेप्टेड है 22 से लेकर अभी तक का जो गैप है उसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है वो हम वी कैन एक्सप्लेन इट इन दी एस ओ पी बट येस जुलाई इनटेक के बाद हो सकता है बहुत ज़्यादा लाइटलीहुड है कि दो हज़ार बाईस पास बच्चे को प्लस टू पास बच्चे को ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट ना करें उसके बाद वाला इनटेक में अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की है उसका एविडेंस है तो वो एक दो साल का आपका गैप चल जाएगा आपकी जॉब है दो तीन साल का जॉब गैप उसका वो भी एक कंसिडर हो जाएगा स्पेशली स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है तो ये जो पहला आ, फंडामेंटल जो बेंच मार्क है फॉर अ वीजा सक्सेस इज योर एकेडमिक और गैप जस्टिफिकेशन दूसरा जो स्तंभ है या जो दूसरा पैरामीटर है वो है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए मोस्टली दो टेस्ट जो हैं वो बच्चे देते हैं एक है आइल्स का एक है पी का तो ये आपके जेनुअन होने चाहिए और यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी आपके पास फंड्स होने चाहिए और फंड्स जेन होने चाहिए और आपकी जो पेमेंट कैपेसिटी पेरेंट्स की है वो होनी चाहिए यानी कि अगर आप सिंगल कोई अप्लाई कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए तो फैमिली इनकम जो है वो नौ से दस लाख मिनिमम होनी चाहिए और अगर कोई स्पाउस के लिए कर रहा है तो कम से कम बारह से पंद्रह लाख की आपकी इनकम होनी चाहिए और एक जो चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं वो आपकी इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अर्ली एंड ग्रेट वीज़ा सक्सेस तो ये जो चार चीज़ें हैं इनको ध्यान में रख के अगर आप अप्लाई करेंगे आपका एजेंट नॉलेजबल होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही चांसेस हैं कि जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो पॉजिटिव आएगा और वीज़ा ज़रूर आएगा अब आपने जैसे पीछे मैंने वीडियो बनाई थी कि 700 स्टूडेंट जो है वो कनाडा से डिपोर्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है स्टूडेंट का उसमें कोई दोष नहीं था उसमें दोष था एजेंट का तो एजेंट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई होप फॉर योर ऑस्ट्रेलिया स्टडी प्लान ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो वीज़ा सक्सेस रेट होना होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता थैंक यू सो मच